नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरा देश इस वक्त त्योहारों के जश्न में डूबा हुआ है। धनतेरस, दिवाली और भैया दूज जैसे तमाम त्यौहार इस महीने में होते हैं। बात करें दिवाली की तो ये हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से शुमार है और दिवाली से पहले धनतेरस को कैसे भूला जा सकता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और घर के लिए तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो यहाँ धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीद काफी बढ़ जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अल्मोड़ा शहर में मौजूद ऐसी ही एक प्रसिद्ध बर्तनों की दुकान के बारे में, जो न सिर्फ यहाँ के रहने वालों के लिए एक लोकप्रिय है बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी दुकान की तरफ खींचे चले आते हैं। इस दुकान का नाम वैसे तो अनोखे लाल हरि किशन स्टोर है, लेकिन शहर के लोगों के बीच ये अनोखे लाल की दुकान के नाम से मशहूर है। आपको बता दें, आजादी से पहले शुरू हुई इस दुकान की पहचान ताबे के काम को लेकर पूरे कुमाऊं में रही है। पड़ोसी देश नेपाल तक यहां से ताबे के बर्तन और दूसरा सामान ले जाया करते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र भी यहीं से बनकर गए हैं। इस साल की बात करें तो ताबे के बर्तनों पर ऐपड़ कला का इस्तेमाल विशेष आकर्षण के केंद्र है। ताबे के कलश, गागर, परात और अन्य बर्तनों पर ऐपड़ के माध्यम से मां नंदा सुनंदा के चित्र और कलाकृति बनाई गई है। इसी के साथ ही तमाम तरह की छोटी बड़ी मूर्तियां, आरतियां, घंटियां और पूजा से जुड़ा अन्य सामान भी यहां उपलब्ध है। आपको ये जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि यहां पर मौजूद ताबे, पीतल और कांसे के बर्तनों और दूसरे सामानों पर भी नक्काशी पूरी तरह हाथों से की जाती है। तो अगर आप भी अल्मोड़ा शहर में रहते हैं और फिर अल्मोड़ा घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी एक बार अनोखे लाल की दुकान में ज़रूर जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।